Hallo? Haha. Nee. Hey guys, this is Mukul Sharma, aka Stuff Listings. Welcome to yet another episode of Tech Stuff. Before you start watching the video, if you're new to the channel, don't forget to subscribe to Stuff Listings. आज की स्टार्ट करते हैं एप्पल के साथ एंड एप्पल आईफोन 12 प्रो और एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स दोनों ही स्मार्टफोन्स में सुनने में आ रहा है कि हमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देखने को मिलेगी और साथ ही साथ एक स्लीक बॉडी देखने को मिलेगी. मतलब अगर आप कंपेयर करोगे इसके प्रीडिसेसर सीरीज से तो आपको यहां पे पतले स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे एप्पल आईफोन 12 सीरीज और स्मार्टफोन्स में. आगे बढ़ते हैं Huawei की सब ब्रांड Honor की तरफ एंड Honor 30 यूथ एडिशन स्मार्टफोन हमें पहले ही पता है जुलाई महीने में लॉन्च होने वाला है. अब सुनने में आ रहा है उसके साथ Honor X10 Pro और Honor X10 Max ये दोनों स्मार्टफोन्स भी लॉन्च होने वाले हैं. Honor X10 Pro अब एलिजिडली 10A पे सर्टिफाई हो चुका है. इसके लाइव शॉट्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं. आगे बढ़ते हैं Huawei की तरफ एंड Huawei ने अपने EMUI 10.1 ग्लोबल अपडेट का रोल आउट स्केड्यूल अब लॉन्च कर दिया, अनवील कर दिया. मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं एलिजिबल डिवाइसेज जिनको जल्दी ही EMUI 10.1 अपडेट देखने को मिलने वाला है. आगे बढ़ते हैं Qualcomm की तरफ एंड Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर यस ऑफकोर्स बहुत सारे स्मार्टफोन्स में है, इसमें भी पड़ा हुआ और बहुत सारे 3-4 मेरे पास Snapdragon 865 वाले पड़े हैं यहाँ पे स्मार्टफोन्स. स्मार्टफोन्स में तो ऑफकोर्स 865 प्रोसेसर अभी के लिए फ्लैगशिप प्रोसेसर है, फ्लैगशिप लेवल आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस तो देखने को मिलती ही मिलती है. बट एज इट टर्न्स आउट Snapdragon 865 प्रोसेसर अब रोबोटिक्स के फील्ड में भी यूज होना स्टार्ट हो चुका है. सो दैट मीन्स कितनी इसकी परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी होगी आप इमेजिन कर सकते हैं. रोबोट्स वगैरह भी 865 प्रोसेसर पे रन करने वाले हैं. आगे बढ़ते हैं LG की तरफ. LG Velvet 4G जो कि Qualcomm Snapdragon 845 प्रोसेसर पे रन करेगा वो स्मार्टफोन भी अब GCF सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हो चुका है. दैट मींस ग्लोबली LG Velvet 4G जल्दी ही लॉन्च होने वाला है. आगे बढ़ते हैं सोनी की तरफ. सोनी ने अपने Xperia 10 Mark II या फिर सोनी Xperia 10 II जो भी आप कह लो, एक कंफ्यूजिंग सा नेम है यहाँ पे, इसको ओपन डिवाइसेस के प्लेटफॉर्म पे डाल दिया. दैट मींस डेवलपर्स के लिए अब ये स्मार्टफोन खुल चुका है. कस्टम रोम डेवलपमेंट वगैरह आपको सोनी Xperia 10 II स्मार्टफोन के लिए जल्दी ही देखने को मिल जाएगी. आगे बढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ एंड ये चीज स्मार्टफोन से रिलेटेड नहीं है बट आई थॉट आपको मेरे को शेयर करनी चाहिए यहाँ पे. एज इट टर्न्स आउट कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स ने GPR या फिर एक जो ग्राउंड पेनिट्रेशन टेक्निक होती है उसके थ्रू एक एंशियंट रोमन सिटी को अब डिस्कवर किया. ये मूवीज वाला यहाँ पे सीन हो रहा है एंड उसमें आपको टाउनशिप वगैरह प्रॉपर यहाँ पे प्लानिंग देखने को मिल रही है. स्क्रीन पे आपको मैं इमेजेस दिखा रहा हूँ. टेक्नोलॉजी देखो कहाँ की कहाँ पहुंच गई है. खुदाई वुदाई भी नहीं करनी पड़ी और पता चल गया कि हमारे नीचे एक पूरा टाउन बस रहा था. मतलब हमारे यहाँ नहीं बट कहीं ना कहीं जहां पे भी था. सो दिस इज सम अगेन स्टफ दैट यू शुड नो. आगे बढ़ते हैं WhatsApp की तरफ एंड WhatsApp इंस्टॉल करने के बाद एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि भाई आप जिस स्मार्टफोन में WhatsApp को चला रहे हैं आप उसी में चला पाएंगे एंड पर्टिकुलरली फॉर अ पर्सन लाइक मी जिसको बहुत सारे स्मार्टफोन्स को टेस्ट करना पड़ता है ये बहुत एक बड़ी हैसल हो जाती है. एंड आई एम प्रीटी श्योर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी. नया फोन खरीदा, पुराना फोन खराब हो गया, ये है वो है, आपका दो फोन है और आप एक फोन घर पे भूल गए और WhatsApp उसी में था. ये सब कुछ टर्न्स आउट जल्दी ही ये आपको प्रॉब्लम दूर होने वाली है बिकॉज WhatsApp अपेरेंटली वर्क कर रहा है एक नए फीचर पे जिसमें आप अप टू 4 डिवाइसेस में WhatsApp चला पाएंगे सिंगल अकाउंट से. सो आपको जो एक फोन नंबर इसमें आपने WhatsApp डाल रखा है आप दूसरे स्मार्टफोन पे या दूसरे टैब पे जो भी एलिजिबल डिवाइस होगा उस पे भी WhatsApp चला सकते हैं. सो एक फोन को आप घर पे रख लो, एक को ऑफिस ले जाओ, जो भी करना है आपके ऊपर है. यूज कैसे करना है वो आपके ऊपर है. फीचर आपको WhatsApp जल्दी ही देने वाला है. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कल का पोल देख लेते हैं. कल हमने आपसे पोल में क्वेश्चन पूछा था, डू यू थिंक द ओप्पो फाइंड एक्स टू प्रो विल सक्सीड इन इंडिया. 78% लोग कह रहे हैं नो आई डोंट थिंक सो. 1600 लोगों ने वोट किया था और 78% लोग कह रहे हैं इट वोंट सक्सीड इन इंडिया. 22% लोग कह रहे हैं येस दे थिंक इट विल सक्सीड इन इंडिया. मैं भी ऑनेस्टली आपको बताऊं ओप्पो फाइंड एक्स टू प्रो बहुत महंगा स्मार्टफोन है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसकी प्राइसिंग भी नहीं आई है. आई डोंट नो ये अवेलेबल कब होगा. सो सक्सीड करने का मेरे को नहीं पता बट अगर प्राइस के अलावा बात करो फोन की इट्स अ मॉन्स्टर ऑफ अ स्मार्टफोन. मैं ओपनली आपको बता रहा हूं आई एम गोइंग टू यूज इट एज माई डेली ड्राइवर. सिम डाल रखा है, व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ इसमें है और आगे से आप यू नो टेक्स्ट में इसी स्मार्टफोन को देखने वाले हैं फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम. Huawei P30 Pro यहीं पे पड़ा है, इसको मैं कहीं छोड़ के नहीं जा रहा बट स्टिल कुछ टाइम पे लिए अब मैं इसको यूज करने वाला हूं. सो दिस वॉज द पोल फॉर yesterday. आज के पोल का क्वेश्चन आपके लिए है कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर फॉर यू वाइल बाइंग अ फ्लैगशिप स्मार्टफोन. अगर आप बहुत ज्यादा पैसे खर्चना चाहते हैं या अगर आपको मन है एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन खरीदने का, आप इनमें से कौन से फीचर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहेंगे कम्युनिटी सेक्शन में जाके आप हमें पोल करके बता सकते हैं.
आगे बढ़ते हैं Samsung Galaxy Fold 2 की तरफ एंड अब सुनने में आ रहा है कि Samsung Galaxy Fold 2 जो स्मार्टफोन होगा लॉन्च डेट तो उसकी अगस्त में ही होने वाली है अलोंगसाइड द Samsung Galaxy Note 20 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स बट ये आपको कमर्शियल शेल्फ्स पे या फिर खरीदने के लिए अवेलेबिलिटी जो होगी वो अगस्त एंडिंग में या फिर सेप्टेम्बर तक भी खींच सकती है सो ये जो एक सस्ता सा स्मार्टफोन आप लेने की सोच रहे हैं लॉन्च तो जल्दी होगा बट आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ जाएगा एक महीने और थोड़ी सेविंग वगैरह कर लेना कवर वगैरह भी स्मार्टफोन के आप खरीद पाएंगे आगे बढ़ते हैं हाइक मैसेंजर की तरफ एंड हाइक मैसेंजर ने एक नया हाइक लैंड फीचर लॉन्च किया है हाइक लैंड को यूज करके आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ मूवीज वर्चुअली देख सकते हो इफ इनकेस आपने आज तक हाइक को इंस्टॉल नहीं किया आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो आगे बढ़ते हैं मोटोरोला की तरफ एंड यस मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस स्मार्टफोन अच्छा खासा स्मार्टफोन है जल्दी आपको अनबॉक्सिंग तो देखने का मिल जाएगी बट जो इनका प्रीमियम जो इनका अच्छा स्मार्टफोन जो कि आप खरीदने वाले थे मोटोरोला एज प्लस इस स्मार्टफोन में बहुत सारे डिस्प्ले इश्यूज आ रहे हैं बहुत सारे यूजर्स को ये जो मोटोरोला एज प्लस का ये ना वाटरफॉल डिस्प्ले जो होता है कर्व डिस्प्ले जो होता है वो वहां पे डैमेज होने स्टार्ट हो चुके हैं आपको वहां पे डेड स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं गोस्ट टच इश्यूज बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं अभी के लिए मोटोरोला की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई है बट वी आर वेटिंग इफ इन केस यू वांटेड टू परचेज द मोटोरोला एच प्लस स्मार्टफोन थोड़ा सा वेट कर लीजिए कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके बारे में आएगी कि हार्डवेयर इशू था क्या इशू था उसके बाद ही आपको स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए आगे बढ़ते हैं सोनी की तरफ एंड सोनी इंडिया ने वर्ल्ड म्यूजिक डे को सेलिब्रेट करने के लिए उससे पहले ही अपने कुछ ऑडियो प्रोडक्ट्स में हैवी डिस्काउंट्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं सो 7000 से लेके 25000 तक आपको कुछ ये सोनी के ऑडियो प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि अर्लियर आपको अराउंड 12000 से लेके 32-33000 तक देखने को मिलते थे मैं आपको स्क्रीन पे वैसे प्राइस कट जो डिस्काउंट है वो दिखा रहा हूं इफ इन केस आपको सोनी का कोई ऑडियो प्रोडक्ट खरीदना है नाउ माइट बी द राइट टाइम टू डू सो आगे बढ़ते हैं Linksys की तरफ है Linksys ने एक नया MR7350 Mesh Wi-Fi 6 राउटर लॉन्च किया है $150 के आसपास इसको प्राइस किया गया कंपनी ने एंड इसकी रेंज बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी समवेयर अराउंड 1700 स्क्वायर फीट आपको इसमें रेंज देखने को मिलने वाली है एज क्लेम्ड बाय द कंपनी सो आप देखते हैं इंडिया में कब लॉन्च होता है ग्लोबली लॉन्च हो चुका है $150 या $149 के आसपास इसका प्राइस रखा गया है आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट के गेमिंग सेक्शन की तरफ एंड द विचर से स्टार्ट करते हैं द विचर 3 जो गेम अभी तक पेड थी अब आपको एक्सबॉक्स पीसी वगैरह में फ्री में देखने को मिलेगी सो अगेन फ्री की चीज किसको पसंद नहीं है अगर आपने अभी तक द विचर 3 को गेम को खेल के नहीं देखा अब आप इसका फ्री में लुत्फ उठा सकते हैं आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसी गेम्स की बात करते हैं जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है पीसीज के लिए और कंसोल्स के लिए 3 नई गेम्स अभी लॉन्च हुई हैं हाल फिलहाल डिसइंटीग्रेशन किंगडम हार्ट्स मेलोडी ऑफ मेमोरी एंड रेनबो 6 सीज ऑपरेशन स्टील वेव बहुत बड़ा नाम है बट बहुत अच्छा टाइटल है ट्रस्ट मी ये वाला जो टाइटल इसका जो यू नो वो होता है क्या बोलते हैं उसका टीजर वगैरह होता है वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा इफ इन केस यू आर अ गेमर आप इन 3 गेम्स में से कोई भी नई गेम इस बारी हो सकता है परचेज करना चाहे आगे बढ़ते हैं फोर्टनाइट की तरफ एंड फोर्टनाइट सीजन 3 फाइनली स्टार्ट हो चुका है 17th ऑफ जून ऑनवर्ड्स दैट मींस कल से स्टार्ट हो चुका है अगर आपने अभी तक फोर्टनाइट सीजन 3 नहीं खेला है आप आज से खेलना स्टार्ट कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं PUBG मोबाइल की तरफ एंड PUBG मोबाइल की वर्ल्ड लीग 0 अनाउंस हो चुकी है 10 जुलाई से लेके 9th ऑफ अगस्त तक ये चलने वाली है सो अगेन अगर आप खेलना चाहते हैं PUBG मोबाइल प्लेयर हैं तो आपके लिए अच्छे दिन स्टार्ट हो चुके हैं आगे बढ़ते हैं कुछ लैपटॉप्स की बात कर लें आज और नेक्स्ट एट द रेट एसर 2020 एक नई इवेंट शेड्यूल की है एसर ने June 23rd के लिए इसमें आपको एसर के लैपटॉप्स और ऑफकोर्स प्रीडेटर के कुछ नए गेमिंग लैपटॉप्स यहां पे देखने को मिल सकते हैं एंड साथ ही साथ एसर की अगर हम बात करें एसर ने एसर 114 इंटेल पेंटियम गोल्ड प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया है इंडिया में 23,000 रुपीज का सो अगर आपको एक बजट फ्रेंडली लैपटॉप चाहिए ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकता है 23,000 रुपए में आपको ये देखने को मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं Vivo की तरफ एंड Vivo X50 Lite स्मार्टफोन जो कि 3-4 महीने पहले मैंने आपको स्पॉट करके बताया था टेक्स्ट स्टफ में अगर किसी के पास इतना पेशेंस है कि 3-4 महीने पहले वाली वो टेक्स्ट स्टफ ढूंढ के ले आए ट्रस्ट मी मैं आपको अपनी पूरी रिस्पेक्ट दे दूंगा कि यार ये बंदा बहुत खतरनाक मेंबर है स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी का नेवरदिलेस Vivo X50 Lite स्मार्टफोन अब गूगल के जो एलिजिबल डिवाइसेस की लिस्ट होती है वहां पे भी लिस्ट हो चुका है जल्दी ही आपको Vivo X50 Lite स्मार्टफोन भी देखने को मिलने वाला है एंड बाय द वे Vivo X50 सीरीज एज सच इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाली है आगे बढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आ रही है Google Pixel 4a स्मार्टफोन Google Pixel 4 तो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था बट Google Pixel 4a स्मार्टफोन अब BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हो चुका है दैट मींस हो सकता है Google Pixel 4a इंडिया में लॉन्च हो जाए बट हो सकता है मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज Google Pixel 4 सीरीज भी इंडिया में BIS सर्टिफिकेशन पे सर्टिफाई हुई थी उसके बाद बिकॉज ऑफ सम सेंसर्स व्हिच Google Pixel 4 सीरीज वाज यूजिंग ये स्मार्टफोन सीरीज इंडिया में लॉन्च नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस एंड अ लॉट ऑफ ऑब्वियस रीजंस बट Google Pixel 4a स्मार्टफोन में मुझे नहीं लगता ऐसे बड़े बड़े सेंसर्स होंगे ओइंग टू द मिड रेंज नेचर ऑफ द स्मार्टफोन हो सकता है Google Pixel 4a इंडिया में लॉन्च हो जाए बिकॉज
इस BIS पे आया है, कोई ना कोई रीजन होगा कि गूगल ने इसको सर्टिफाई किया है। आगे बढ़ते हैं iQOO की तरफ। iQOO 3 Pro स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, सुनने में आ रहा है, एंड Vivo पे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस लीक हो चुकी हैं। एज इट टर्न्स आउट iQOO 3 Pro में हमें Qualcomm Snapdragon 865 Plus प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 4500 mAh बैटरी, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली एमोलेड Samsung E3 पैनल देखने को मिलेगी। अब ये कब लॉन्च होने वाला है इसके बारे में तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है, बट कुछ स्पेसिफिकेशंस निकल के आ चुकी हैं, जल्दी ही हो सकता है हमें iQOO 3 Pro स्मार्टफोन चाइना में देखने को मिल जाए। एंड साथ ही साथ iQOO 3 Pro स्मार्टफोन के प्राइसिंग के बारे में भी एक लीक निकल के आया है। स्पेकुलेशंस कह रही है कि iQOO 3 Pro का जो प्राइस होगा वो समवेयर अराउंड 4000 टू 4700 युआन होने वाला है चाइना में। इंडियन करेंसी की अगर हम बात करें तो समवेयर अराउंड 43000 टू 50000 में आपको ये स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं रियलमी की तरफ, एंड थैंक गॉड बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आ रही है। रियलमी फाइनली अपने ये जो टिपिकल ट्रेडिशनल डिजाइन है जो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, इससे या इसको लेट गो करने वाला है। सुनने में आ रहा है कि भाई रियलमी अगले महीने एक स्मार्टफोन लॉन्च करेगा जिसमें आपको कुछ नया कैमरा लेआउट देखने को मिलेगा। माधव शेठ ने अपेरेंटली अपने आस्क माधव एपिसोड में इसके बारे में बात की है। जल्दी ही आपको रियलमी की तरफ से एक नए डिजाइन वाला स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है, बट नेवरदिलेस अगर आप इतना वेट नहीं कर सकते, 25th ऑफ जून को रियलमी X3 और रियलमी X3 सुपर जूम दोनों ही स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी आपके पास हैं, प्राइस की लीक अभी नहीं हुई है, बट जल्दी ही उसकी भी लीक हम लेके आपको दिला देंगे। आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ, एंड इस न्यूज का बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई पोको का अपकमिंग स्मार्टफोन कब आएगा। मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था, पहले TWS आएंगे, फिर फोन आएगा, फिर फोन आएगा, ऐसा कुछ होगा। आज मैं आपको एक चीज कंफर्मेशन वाले तरीके से ही बता रहा हूं, TWS हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए, TWS का लॉन्च थोड़ा सा लेट होने के चांसेस हैं, हो सकता है पहले स्मार्टफोन लॉन्च हो जाए। और साथ ही साथ Poco M2 Pro अभी तक बहुत सारी सर्टिफिकेशंस पे आया था, Xiaomi के अपने इंडिया के RF सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे भी आया था, मैंने ही स्पॉट करके आपको बताया था बाय द वे। उसके बाद एक दो जगह और आया, वाईफाई लाइन्स पे, ब्लूटूथ SIG सर्टिफिकेशन पे, आज फाइनली ये स्मार्टफोन BIS सर्टिफिकेशन पे भी आ चुका है। दैट मींस इंडिया में जल्दी ही आपको Poco M2 Pro स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। एंड इफ इन केस आप स्पेसिफिकेशंस वगैरह के लिए वेट कर रहे हैं, आपको ज्यादा अब वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो यस वी ट्रस्ट यू स्टफ लिस्टिंग्स, जल्दी ही आपको Poco M2 Pro के बारे में कुछ ना कुछ लीक मैं देने वाला हूं। वीडियो खत्म करते हैं कल के कमेंट्स के साथ। सयंतन रॉय कह रहे हैं यस मोटो डिड अ ग्रेट जॉब बाय लॉन्चिंग देयर फोन इन सच अ प्राइस व्हेन अदर ब्रांड्स आर इंक्रीजिंग द प्राइस, कंप्लीटली अग्रीड हियर। चिरंजीत गिरी कह रहे हैं कंग्रेचुलेशंस फॉर 20K फैमिली ऑन यूट्यूब ब्रदर, देयर इज मोर टू कम, देयर इज लॉट मोर टू कम, कीप ग्रोइंग टुवर्ड्स सक्सेस एज यू डिजर्व मच मोर देन दिस, लोट्स ऑफ लव, थैंक्स अ लॉट ब्रदर, आई लव यू टू, लव यू द एंटायर स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी, आई होप वी कीप ऑन ग्रोइंग लाइक दिस। अनंत शुक्ला आगे करें ब्रो आई हैव टू गिफ्ट अ फोन एंड माय बजट इज 22K, शुड आई वेट फॉर रियलमी X3 सुपर जूम और नॉट, इफ इट इज कमिंग अंडर 20K लेट मी नो। रियलमी X3 सुपर जूम आई डोंट थिंक इतना सस्ते में आएगा, रियलमी X3 समवेयर अराउंड आपको इस प्राइसिंग में देखने को मिल सकता है। एंड इफ इन केस आप चाहते हैं प्रोसेसर कि भी प्रोसेसर अच्छा हो, तो अभी तक जो लीक्स हैं, जो मैंने ही लीक किया था कि 855 प्लस प्रोसेसर आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगा, सो आप रियलमी X3 ले सकते हैं। इफ इन केस यू वांट दैट पेरिस्कोपिक कैमरा जूम वगैरह करना है, फिर आपको थोड़ा सा पैसा ज्यादा यहां पे लगाना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं कमेंटेटर ऑफ द डे की तरफ, एंड रवि देसाई इज द कमेंटेटर ऑफ द डे। वो कह रहे हैं जस्ट लाइक योर कॉन्टेंट वेरी मच, नॉट टू फार फ्रॉम सिल्वर प्ले बटन। सिल्वर प्ले बटन आई गेस 100K पे आता है, 100K पे आता, सो वी आर कितना हो गया, 20% हमारा टारगेट रीच हो चुका है, 80% रह गया है। ट्राई कर रहे हैं जितना जल्दी हम रीच कर पाए 100K को, सिल्वर बटन आएगा। अभी मुझे नहीं पता, हमारा स्टूडियो वगैरह तो है नहीं है, बट यहीं कहीं टांग देंगे अगर हमारे नोएडा शिफ्ट करने से पहले अगर हमारे 100K हो गए, तो यही ड्रीम है कि यहां पे एक सिल्वर बटन होगा, नहीं होता यहां कहीं रख देंगे। डजंट मैटर, हमारे लिए सबसे ज्यादा मेन चीज मैटर करती है कॉन्टेंट प्रोवाइड करना। नहीं हो पा रहे अगर 100K टाइम पे, या हमारा स्टूडियो वगैरह नहीं है, इट मैटर्स टू अस, बुरा लगता है बट स्टिल कुछ कर नहीं सकते, सो यस लेट्स मूव ऑन। और वीडियो खत्म करते हैं स्टफ दैट यू शुड नो के साथ, एंड कृष्णा गुप्ता ने हमें कहा है ऑल्दो GPS इज फ्री फॉर द वर्ल्ड टू यूज, इट कॉस्ट्स $2 million पर डे टू ऑपरेट। वाह यार, ये मेरे को नहीं पता था, दिस इज सम सीरियस स्टफ दैट वी ऑल शुड नो। एंड इतने सारे पैसे एक चीज के लगते हैं जो कि अल्टीमेटली हमें फ्री में मिल रही है, बट हमें इस फीचर की या तो इतनी कदर नहीं है, या फ्री मिल रहा है तो हमें पता नहीं चलता मोबाइल में GPS है, होता ही है। बट अगेन बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मेरे को अभी तक नहीं पता था। इफ इन केस आपको इस फैक्ट के बारे में पता था, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो यस आई ऑलरेडी नो इट, आई नो इट ऑल। अगर आपको नहीं पता था, आप इनके कमेंट को जाके एक लाइक दे सकते हो, बिकॉज ऑफ कोर्स ही हैज वर्क्ड हार्ड टू गिव अस दिस पर्टिकुलर स्टफ दैट वी शुड नो। So there you go guys, ये थी सुबह वाली टेक स्टफ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी। गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस, सी यू एट 5:50 PM।
बंद रुक जा कर रहा हूँ इसकी फ्रेश रेड डिस्प्ले और थिनर बॉडीज देखने को मिलने वाली हैं और मेरे को पता है मैंने ज्यादा ही पढ़ के बोल दिया इसलिए ये वाला सेक्शन सुनने में आ रहा था कि 30th ऑफ का Huawei स्मार्टफोन इन अगर आपका Huawei स्मार्टफोन 2 जो स्मार्टफोन था उसको ओपन जो नहीं है बट आई थॉट आपको तरफ एंड यस ये चीज जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने एज इट टर्न्स आउट ये मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस ओके 3000 के से लेके समवेयर अराउंड 50,000